हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजमा की सब्ज़ी बनाएंगे। जिसके लिए एक कटोरी राजमा लेना है, उसे धो लेना है। ये छोटे वाले राजमा लिया है मैंने, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा यही वाला बनाती हूँ ज़्यादातर। और इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे, एकदम ज़्यादा गर्म होना चाहिए पानी, बॉईल करा हुआ। इसे बहुत सारा डाल देना है राजमे में, और इसे ढक कर 2 घंटे के लिए रख देना है। ये रख दिया है हमने, ये देखो 2 घंटे हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से फूल जाता है 2 घंटे में। ये देखिए, अब हम इसे बॉईल करेंगे, उबालेंगे अच्छा सॉफ्ट होने तक। इसे कुकर में डाल देना है, पानी डाल देना है। 2 प्याज लिया है मैंने, एकदम बारीक चॉप किया हुआ, और 1 टमाटर, इनको अच्छे से चॉप करके इस कुकर में डाल देना है। और नमक डाल देना है 1/2 चम्मच, और इसे कुकर में उबाल लेना है सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, बस उबल गया है ये, मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हो गया है ये। ये देखिए, ये इतना अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मैश हो गया है ये अच्छे से। अब हम 8-10 लहसुन के कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा लेंगे, 2 प्याज, इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट बन चुका है। अब हम मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से कम हल्दी ले लेंगे, और 1 चम्मच से कम गरम मसाला, ये चिकन गरम मसाला लिया है मैंने। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। जो दाल वाला चम्मच होता है वो मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है, और इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, और जो प्याज है इसका, अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाल देंगे। अब इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर इसमें मसाले डाल देंगे जो हमने दिखाए थे आपको। अब इसे 1 मिनट तक भुनना है, बिल्कुल कम आंच पे भुनना है, इसे धीमी आंच पर सिर्फ 1 ही मिनट भुनना है। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। 1 मिनट हो चुका है, अभी देखिए पानी डालते हैं इसमें। मैंने मिक्सी के जार में से बचा था पानी डाल के लिया है, और थोड़ा सा और पानी डाल देंगे इसे। अब हमें 5 मिनट तक भुनना है धीमी आंच पे। चलो देखते हैं, अब ये 2 मिनट बाद में दिखाऊंगी आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चला देंगे और इसे 3 मिनट और भुनेंगे। 3 मिनट हो जाएंगे, फिर हम इसे देखते हैं। ये देखिए 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा टोटल 5 मिनट हो गए हैं इसे भुनते हुए। अब ये भुन चुका है, अब इसमें हम राजमा डाल देंगे। इसमें अब हम ये देखिए राजमा डाल दिया है, अब इसे हम चलाएंगे, मिलाएंगे अच्छे से। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल देना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालना क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी पानी डाला है, अभी 2 कटोरी और डालूँगी मैं। 1 कटोरी और डाला, फिर 1 कटोरी, इतना ज़्यादा पानी डाल दिया मैंने, ये गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें बॉयल आने देंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है, अब इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला था तब, तो चलो इसमें 1/2 चम्मच और नमक डाल देते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये रेडी हो चुका है। गैस बंद कर देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, फिर इसे निकाल लेंगे बॉल में। ये बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड, एकदम कम मसाले से बनी हुई है ये, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।